राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनावों से पहले अब कांग्रेस का कोर गुट माने जाना वाला एक तबका नाराज नजर आ रहा है। ये नाराजगी है उपचुनाव में उनके प्रतिनिधित्व को लेकर। एमडी चौबदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उपचुनाव होने हैं, कांग्रेस से एक मांग की जा रही है, क्या मांग? जायज मांग है। बाई इलेक्शन में मुस्लिम समाज अपनी टिकट मांग रहा है, पार्टी को टिकट देनी चाहिए। सर, हमेशा चुनाव में देखने को आता है कि कांग्रेस का ये कोर गुट माना जाता है, ऐसे में लगातार जो चुनाव हो रहे हैं उनमें अनदेखी कहीं ना कहीं भारी बढ़ रही है। मुस्लिम समाज कांग्रेस का कोर वोटर है नहीं, मुस्लिम समाज कांग्रेस की पूंजी है, एसेट्स है उसकी, और ये धोखेबाज वोटर नहीं है। लोग हर बार कैंडिडेट देख के पलटी मारते हैं, कोई माहौल देख के पलटी मारता है, ये तो पलटी नहीं मारता बेचारा, ये तो सदैव साथ रहता है। ऐसे में अब उपचुनाव में आपने ताल ठोकी है, कौन सी सीटों पर है जहां आप अपना दावा कर रहे हैं कि यहां पर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व मिल रहे? झुंझुनू विधानसभा है। झुंझुनू विधानसभा में आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, ये बाई इलेक्शन दे देना चाहिए। राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे कि मैं हाथ पकड़ कर चलता हूं, लेकिन राजस्थान में वो तस्वीर कहीं नजर नहीं आती है, इसको लेकर क्या? कल राहुल जी तक हमने हमारी बात पहुंचा दी और मुझे उम्मीद है कि राहुल जी एक डायनामिक लीडर है, वो सबको साथ लेके चलते हैं, हमारी बात वहाँ पहुंची है, मुझे उम्मीद है कोई ना कोई अच्छा निर्णय होगा। चौबदार साहब, विधानसभा चुनावों में भी आपने मांग उठाई थी, कुछ सीटों पर दावा ठोका था लेकिन वो पूरी नहीं हुई थी, अब उपचुनावों में करें हैं, अगर अभी भी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आगे क्या? समाज निर्णय करेगा, मैं समाज के पीछे हूँ, समाज से आगे थोड़ी हूँ। मेरी अगर कोई वैल्यू है या मेरा कोई जनाधार है तो मेरे समाज के पीछे ही है ना। बिल्कुल। तो ये थे एमडी चौबदार साहब। देखिए, उपचुनाव में झुंझुनू की सीट पर इन्होंने दावा ठोका है, साथ ही ये कहा है कि यदि अब इनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो आने वाले वक्त में जो मुस्लिम समाज का कोर गुट है वो कहीं ना कहीं अपने तेवर दिखाते हुए नजर आ सकता है। कैमरा पर्सन देवेंद्र शर्मा के साथ ललित वर्मा, द नगरी मीडिया, जयपुर।